तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके हमें मान निकालना है। तीसरा स्तंभ ये है, तो जाहिर सी बात है A3, A13, 23 और 33 का हमें मान निकालना है। तो A13 बराबर -1 की पावर 1 प्लस 3। 1 3 यानी इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो 1y 1z हो जाएगा। 1y और 1z बराबर -1 की पावर 4। देखिए z माइनस y कुल मिलाकर के ये z माइनस y हो जाएगा। ऐसे ही A23 बराबर -1 की पावर 2 प्लस 3। देखिए इसकी रो और कॉलम हटाएंगे तो 1x 1z हो जाएगा। तो -1 की पावर 5 z माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ माइनस ये और z माइनस एक्स ये है, तो हम चाहें तो इसे z माइनस एक्स को x माइनस z कर लें। ऐसे ही A33 बराबर -1 की पावर 3 प्लस 3। और देखिए इसकी रो कॉलम हटाएंगे 1x 1y -1 की पावर 3 प्लस 3। देखिए y माइनस एक्स ये तो प्लस का ही आएगा, तो y माइनस एक्स ही रहेगा। अब डेल्टा का मान चाहिए तो A13 मल्टीप्लाइड वाई कैपिटल A13 प्लस A23 मल्टीप्लाइड वाई ए कैपिटल 23 प्लस A33 मल्टीप्लाइड वाई कैपिटल A33। यानी डेल्टा बराबर देखिए 13 तो आया yz और z माइनस y प्लस ये xz और इसमें x माइनस xz। x माइनस z हो जाएगा प्लस xy और y माइनस x गुणा करना है। देखिए yz, देखिए ये गुणा करके फिर गुणनखंड करना है, तो हम ये दूसरे पेज पे ले लेते हैं। तो देखिए गुणा करेंगे तो yz स्क्वायर हो जाएगा माइनस y² z प्लस x² z माइनस z² प्लस x y² माइनस x² y। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, चक्रीय क्रम के गुणनखंड होंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, x की सबसे बड़ी पावर को अरेंज कर लेते हैं। देखिए x² और x² की पावर पहले लेंगे तो ये आ जाएगा z माइनस y। थोड़ा शॉर्ट में करना पड़ रहा है। अब x वाली जो है वो कर लेंगे और इस क्रम से इन्हें करेंगे कि z माइनस y ही आ जाए, तो निश्चित रूप से हम दोनों को इन्हें दोनों को एक साथ ले लेंगे जिससे कि z माइनस y है। तो माइनस x का मान लेंगे तो z² माइनस y² आ जाएगा। अब आगे भी हम ऐसे ही इन्हें अरेंज करेंगे कि z माइनस y आ जाए, तो yz² माइनस y² z बराबर x² z माइनस y माइनस x z प्लस y वर्गांतर का सूत्र z माइनस y प्लस yz कॉमन। तो ये z माइनस y, देखिए हम ये कॉमन लेते हैं तो डेल्टा बराबर z माइनस y कॉमन है।
ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमने कॉमन भी ले लिया, अंदर गुणा भी करना है, डेल्टा बराबर जेड माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। देखिए इसमें हम कॉमन ले लेंगे, ऐसा कॉमन लें कि दोनों में फिर कॉमन मिल जाए वापस, तो एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस जेड, यहाँ से वाई माइनस का कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस जेड हमें मिल जाएगा। तो जेड माइनस वाई, एक्स कॉमन है तो ये एक्स माइनस जेड आ जाएगा, माइनस वाई कॉमन तो एक्स माइनस जेड, और फिर से हमने कॉमन ले लिया है तो जेड माइनस वाई, और एक्स माइनस जेड कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई, बच गया है एक्स माइनस वाई। चक्रीय क्रम के जो गुणनखंड होते हैं उसमें एक हो सके संभव तो ऑर्डर होना चाहिए, जैसे एक्स माइनस वाई, वैसे ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑर्डर हो जाए तो बढ़िया बात। देखिए एक्स माइनस वाई को हमने ऐसे ही लिख दिया, अब वाई माइनस जेड करेंगे तो माइनस इसका कॉमन आएगा, वो इसके इसके जो ऑर्डर है उसको चेंज कर देगा, तो वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो ये अपनी आइडियल फॉर्म में आ गया है आंसर हमारा।